फिंगर बेटा, टू फिंगर। एडी वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बर्थडे डेकोरेशन कैसे किया जाता है। तो बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को आइडिया होगा कि बर्थडे सेलिब्रेट अगर हम घर पे करते हैं तो उसका डेकोरेशन कैसे किया जाता है। लेकिन आज मैं अपने बेटे के बर्थडे पर डेकोरेशन करने वाली हूँ अपने घर पर। तो आज मैं एक छोटा सा वीडियो बना करके मैंने सोचा शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। वैसे बहुत लोग जानते होंगे डेकोरेट करना, लेकिन मैंने भी सोचा कि जो मैं डेकोरेशन करने वाली हूँ तो वो भी आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो मैंने क्या क्या आइटम लिया है बर्थडे का तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है फ़ैन, कलरफुल फ़ैन है ये, बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे देखने में। आप देख सकते हैं ये 6 कलर है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो इसको मैं वॉल पर चिपकाऊंगी। क्योंकि कर्टेन वाला मैंने 2 बार अपने बेटे के बर्थडे में लगा चुकी हूँ गोल्डन कर्टेन, तो मुझे थोड़ा सा ओल्ड लगा, तो इसलिए मुझे ये फ़ैन वाला बहुत ही अच्छा लगा देखने में, तो इसलिए मैंने इसको लिया। और ये है रिंग में स्टार्स लगे हुए हैं, तो ये मैं देखती हूँ डेकोरेशन के बाद इसको कहाँ लगाना है। ये मैं 1 पीस ही ली हूँ, ये लंबा है अप्रॉक्स 1 मीटर का होगा ये। तो ये स्टार है पिंक कलर का। और इसके बाद ये मैंने लिया है बर्थडे कैंडल, और इस पे पूरे कैंडल पे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ, और ये गोल्डन कलर की, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे, थोड़ा सा अलग लग रहा था सिंपल कैंडल से, तो इसलिए मैं कैंडल लिया था। और ये आप देख सकते हैं एडी ने अपना करामात इस पर दिखा दिया है, जिसको मैं बहुत संभाल के रखी हुई हूँ उससे। नेक्स्ट है हमारा ये गोल्डन कलर का हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, तो ये मैं वॉल पर लगाऊंगी। देखती हूँ, मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है, पता नहीं कैसा लगेगा लगाने पर। एक और बर्थडे है वाला लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे, वो है मल्टी कलर का, इससे थोड़ा सा बड़ा है। अगर ये अच्छा नहीं लगा तो मैं फिर वो चेंज कर दूंगी, तो वो लगाऊंगी, तो वो उस टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद है हमारा खूब सारा बलून, मैं बहुत सारे कलर्स का बलून मल्टी कलर ली हूँ, वो रेनबो कलर। मैं थोड़ा सा थीम बनाऊंगी रेनबो का, तो इसलिए मैंने रेनबो कलर का बलून्स लिया है। और ये हमारे पास पिंक कलर का 2 रिबन, तो मैं देखती हूँ आगे कि इसको रिबन को कैसे लगाना है। लेकिन इसलिए मैंने रिबन को लिया था, इसको 2 भाग करके, जब इसको थोड़ा सा हम पतला कर लेंगे क्योंकि ये 1 इंच का है, तो इसको 1/2 इंच बना लेंगे, और इसको मैं बलून का आर्क बनाने में यूज़ करूँगी। और ये हमारा हैप्पी बर्थडे कैप, ये एडी को मैंने डाल दिया हैप्पी बर्थडे कैप। तो ये मुझे सिल्वर और ब्लैक कलर का बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये कैप, तो इसलिए मैंने ये बर्थडे कैप ले लिया है। तो गाइज ये सब कुछ था हमारा डेकोरेशन आइटम, तो चलिए अब हम डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भूल नहीं। तो गाइज चलिए अब हम डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रख लिया है मैंने बलून इन्फ्लेट करने वाली मशीन, तो यहाँ पर मैंने 4 बलून अभी इन्फ्लेट किया है, और मैंने फिर से इसको प्लग इन किया, और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे फुलाना। तो मैंने सबसे पहले पिंक बलून से स्टार्ट किया। जब ये मशीन हो तो बहुत ही आसान हो जाता है डेकोरेशन, तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाली थी, सिंपली तरीके से ही मुझे डेकोरेट करना था क्योंकि टाइम बहुत ही कम था और अकेले करना काफ़ी टफ होता है। तो ये देखिए मैंने बहुत सारा बलून फुला करके रख लिया है, बलून हमारा कम्प्लीट हो गया है सारे कलर्स का। तो इसके बाद मैं फ़ैन को बनाऊँगी, तो ये फ़ैन इस तरीके से कुछ बनाना होता है, और बिल्कुल छोटा सा थ्रेड लगा रहता है नीचे, और दोनों होल में डाल करके इसको बांधना होता है। तो लेकिन मैं जब बांध रही थी तो थोड़ा सा वो निकल रहा था, तो इसलिए मैंने दोनों साइड से टेप लगा दिया। और ये है हमारा डेकोरेशन एरिया, इसी वॉल पर हम डेकोरेशन करेंगे। अब मैं बनाऊंगी बलून का आर्क। तो सबसे पहले मैंने जो आपको रिबन दिखाया था पिंक कलर की, तो उसको मैंने 2 भाग कर दिया, तो ये थोड़ा सा पतला हो गया। अब मैं क्या करूंगी कि इसमें आपको 2 आदमी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ग्रिल में उसको आगे से बांध दिया टाइटली। और इसके बाद बलून को 4 पीस बना करके मैं इसके ऊपर लपेटते जाऊँगी,
जैसा आप देख सकते हैं ये 4 पीस का मैंने बना लिया है। ये देखिए ये पिंक वाली, जैसे आप देख सकते हैं 4 पीस का मैंने सेट बना करके उस रिबन पर मैं लपेटती जाऊंगी। अब हमारा बलून आर्क रेडी हो गया है बनकर, तो चलिए अब हम इसको वॉल पर लगाते हैं। हमारा फाइनल डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये मैंने 7 कलर्स का बलून आर्क बनाकर ये बैक में लगाया, फैंस को बैक में डाल दिया और हैप्पी बर्थडे वाला जो मल्टी कलर का था, जो थोड़ा सा बड़ा था, वो मैंने लगा दिया। और गोल्डन वाला जो था वो मैंने लगाया तो वो थोड़ा सा छोटा लग रहा था और स्पेस काफ़ी बच रहा था, नीचे खाली खाली लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसको लगाया। और ये स्टार आप देख सकते हैं, स्टार को मैंने ऊपर डाल दिया। 1 ही पीस था मेरे पास, नहीं तो अगर 2 पीस रहता तो मैं दोनों साइड में इसको लटका देती तो अच्छा लगता। एक ही था इसलिए मैंने ऊपर सिर्फ इस तरीके से लगा दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इतना करने में मुझे 2 से 3 घंटे लग गए इतना कंप्लीट करने में, और अकेले पॉसिबल नहीं होता है। अकेले तो मैं कर रही थी लेकिन मेरा भाई था जो बलून को फुला फुला कर दे रहा था, तो मैं ये सारा कुछ बनाई। और ये मैंने लास्ट में क्या किया कि मेरे पास एक LED लाइट था, तो वो बैक में मैंने LED लाइट बलून के
डाल दिया, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था इसको लगाने के बाद। जितना सिंपल लग रहा था ये लाइट लगाने के बाद काफ़ी खूबसूरत हो गया था हमारा ये डेकोरेशन। मैंने बहुत तामझाम नहीं किया, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं था मेरे पास, बहुत काम था उस दिन, इसलिए मैंने सोचा कि हल्का फुल्का ही डेकोरेशन करेंगे लेकिन अच्छा करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको ये डेकोरेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मैंने इसलिए वीडियो बनाया कि जो लोग नहीं जानते या फिर जो खुद से डेकोरेशन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा उनको हेल्प मिल जाएगा कि मैं ये डेकोरेशन कैसे कर रही हूँ। और ये मैंने गेट पर लगा दिया था गोल्डन वाला बाहर, हैप्पी बर्थडे वाला, तो ये काफ़ी छोटा था इसलिए मैंने अंदर नहीं डाला इसको, और बलून के नीचे मैंने रिबन डाल दिया। तो ये गेट थोड़ा सा हल्का सा किया क्योंकि बहुत शाम हो गई थी, तो हल्का सा ये कर दिया था कि गेट पर थोड़ा अच्छा लगे देखने में। तो बस इतना ही मैंने बनाया, और कहीं भी हम आर्क ये बना हुआ बलून का देखते तो लगता है कि काफ़ी टफ होगा इसको बनाना, लेकिन बहुत ईजी था, बहुत जल्दी से बन गया था ये, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।